पूर्व मंत्री राजेश मूणत से पुलिस द्वारा की गई मारपीट के विरोध में आज होने वाले राजभवन कूच को भाजपा ने स्थगित कर दिया है। आज सुबह ही भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की खबर आते ही पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। उनके निधन पर आज भाजपा कार्यालय में मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सिंह सवन्नी, युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित साहू समेत वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भूपेश बघेल सरकार के गैर कानूनी काम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, चाहे वो बिजली बिल बढ़ाने का मामला हो, चाहे फिर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर भी जुर्म दर्ज करने का मामला हो, चाहे कवर्धा का मामला हो, हमारे कार्यकर्ताओं ने बता दिया है कि भूपेश तेरी जेल से, तेरे कोर्ट से, तेरी पुलिस से हम डरने वाले नहीं है। हम कल की घटना हमारे जो पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार पुलिस ने किया है, जो तीन बार के मंत्री रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ में हमारे दो कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल भी ले गए। राजेश मूणत जी उन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर, उनको पकड़कर ले जाने पर उन्होंने विरोध करके वो स्वयं गाड़ी में बैठ गए कि आप इनको नहीं ले जाओगे, इनको ले जाओगे तो आप मेरे को भी ले जाओ। पूरा देश शोकमग्न है और केंद्र शासन ने भी, राज्य शासन ने भी शोक घोषित किया है, और इसके परिप्रेक्ष्य में आज जो राजभवन का मार्च था, हमारे कार्यकर्ताओं के एकत्रित होने के बाद भी हमने उसको स्थगित किया है। साथ में क्योंकि दो दिन का शोक है और इसलिए रायपुर बंद था, उसको भी स्थगित किया है। आगामी कार्यक्रम के बारे में निर्णय करेंगे और निर्णय करकर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।